শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে এত ময়ূরের পালক কিভাবে? চারজন লোক হাজার হাজার ময়ূরের পালক এবং পালক দিয়ে তৈরি নানা ধরনের জিনিস শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে বিক্রি করছে। নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে আরো লোক আছে শিলিগুড়িতে। মানুষের কুসংস্কার এদের যেমন ব্যবসা করার সুযোগ করছে, অন্যদিকে এরা নৃশংসভাবে ময়ূরের পালক সংগ্রহ করে চলেছে। অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করার ফলে অবৈধ কারিগররা এই ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। অথচ বন দপ্তর নির্বিকার, কেউ যদি আইন না জেনে এই পালক সংগ্রহ করে এবং ফেসবুকে দেয়, তখন তাই দেখে বন দপ্তরের কর্তারা হানা দিয়ে তাকে ধরে জেলে পুরে দেবে। প্রতিবেদক সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा नंद। कृष्णा क्या? कृष्णन। कृष्णन आगरा से आए हो? नहीं, इटावा जिला, इटावा है। ये जो मयूर पंख जो है ना, इतना सारा, वो कहाँ से लाए हो? वहाँ से ही? हाँ, आगरा से मिलता है। यहाँ इतना दूर से तो पोसाता है? इतना दूर से जो आए हो, तुमको पोसाता है? मैं तो नौकरी करता हूँ दादा। अच्छा अच्छा, ओ माने दूसरा कोई? हाँ, इसका मालिक दूसरा है। कितना आदमी सिलीगुड़ी में काम करता है? सिलीगुड़ी में तो अभी तीन चार आदमी आए, बाकी तो बिहार में है, कोई झारखंड, कोई कहीं कहीं। मालिक भेजा? हाँ, उड़ीसा में है कोई। डेली डेली कितना करके देता है? डेली का नहीं होता दादा, 7,000 से 8,000 रुपये सैलरी देते हैं। अच्छा, हेलो, हाँ, आ रहे आ रहे। ये क्या क्या है? आ रहे आ रहे, मोर पंखा दादा। हाँ, इसको क्या बोलता है? ये पंखा। और ये? ये मोरचल है। मोरचल? मोरचल, हाँ, मोरचल, मोरचल। और ये तो पंख ही है? हाँ, मोर पंखा। ये ओरिजिनल है सब? ओरिजिनल नहीं है, सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट? हाँ, देख लो आप, आराम से देखो। आप डुप्लीकेट काहे बोलते हैं? आप बेचते तो है ओरिजिनल बोल के। अरे जो बताते हैं बिल में, जो बिल मिलता है इसका, गवर्नमेंट बिल देती है, वो जीएसटी वगैरह कटता है इसका।